ये देखिए सामने का व्यू, ऐसा लग रहा है जैसे हम आसमान पे और चल रहे हैं। देख सकते हो, ऐसा लग रहा है ना जैसे हम आसमान पे होंगे और नीचे पूरे बादल बादल है गाइस। ओह माय गॉड, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो नई वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ एक मस्त वादियों से और खूबसूरत सी जगह से जो कि आप लोग देख रहे हैं। मैं हूँ अभी सिक्किम में और ये देख रहे हो आप लोग सिक्किम पक्यों का व्यू जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। ये देखिए, ओ भाई साहब, भाई ये अभी का वीडियो है जून का और इस टाइम पर इतना गर्मी रहता है ना, इतना गर्मी रहता है। ये देखिए यहाँ पर रोड है, गाड़ियाँ चल रही है और यहाँ पर कुछ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये कोहरा लगा हुआ, हल्का हल्का बारिश के बूंदे चल रही है। और गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे और मैं अभी ड्यूटी के लिए तैयार हो गया हूँ। बहुत टाइम से वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे देखिए मस्त ऊपर से छोटी छोटी बारिश की बूंद चल रही है और आगे पीछे पूरा कोहरा लगा हुआ है जो कि मेरे को भी कहीं दिख नहीं रहा है। मुझे कैंप लगाना चाहिए और मस्त ढंग से, हर जगह इतना गर्मी हो रहा है कि सिक्किम में बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडा लग रहा है। इस तरफ से ना, इस तरफ से दिखता है सामने छंगू, दिखता है पूरे पहाड़ की तरफ सामने की तरफ। बट अभी कहाँ से दिख रहा हूँ, अभी तो बारिश लग रहा है तो अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा और यहाँ पे कोहरा लगा होता है, इस वजह से हम थोड़ा यहाँ से वहाँ पे भी नहीं दिखा सकते। तो गाइस फाइनली छुट्टी हो गया होटल से और अभी हो गया शाम, देख सकते हैं हम लोग अभी जा रहे हैं रूम पे और संतोष सर की बाइक पर जा रहे हैं। और अभी भी देखो मौसम सामने का, इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना गाइस। अरे रुको ना सेफ यार, ऐसा थोड़ी होता, आधा रास्ते चलना पड़ेगा। तो सिर्फ अभी कैसा लग रहा है आपको ठंडे मौसम? जल्दी नहीं, थोड़ा बोलो ना प्लीज। अब सही हो रखा है बिजनेस, सुनो यार मैं नहीं पता रहा है। तो चलो यार अभी हम थोड़ा घर की तरफ निकलो, आप लोगों को दिखाएंगे रास्ते में। बाय बाय। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे घर की तरफ, देख सकते हैं ये सामने का व्यू, देखिए इवनिंग हो गया क्योंकि आजकल हमारा बहुत काम चल रहा है यार होटल में। देखिए पहले यहाँ का व्यू देखिए आप लोग, जन्नत है। आप सोचेंगे ना अभी इस टाइम पे अगर आप लोग घूमने आओगे ना, जन्नत है गाइस, इधर जन्नत है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। आप देख सकते हैं यहाँ की रोड है जो कि हमारा रोड, और मैं आप लोगों को अच्छे से एक बार सामने का व्यू दिखाता हूँ। आप लोग देख के यार दिल खुश हो जाएगा और दिल में ठंडी पड़ जाएगी तुम्हारी देख के, चाहे उधर कितना भी गर्म हो ना। तो यार ये देखिए, ये पक्कियों से इधर डायरेक्ट हमारे होटल की तरफ जो रोड आती है, एक दूसरी रोड है वो तो आजकल मतलब बहुत पहले ख़राब हो गई थी, वो अभी बनने में उसका प्रोसेस चल रहा है। तो ये रोड है जो कि अभी तादाग में चल रही है जहाँ से कि गाड़ी निकलती है हमारी। ये देखिए कुछ इस तरह से देख रहे हो, और ये देखिए बारिश होने के कारण यहाँ पे पूरा पानी पानी दिख रहा होगा आप लोगों को। हेलो डॉगी, भाई कुछ नहीं बोल रहे। ये देखिए सामने का व्यू, ऐसा लग रहा है जैसे हम आसमान पे और चल रहे हैं। देख सकते हो, ऐसा लग रहा है ना जैसे हम आसमान पे होंगे और नीचे पूरे बादल बादल है गाइस। ओह माय गॉड। तो यार ये है सिक्किम जो कि हमारे नीचे बादल है और हम वहीं से निकलेंगे अभी, थोड़ा पास होके आप लोगों को दिखाते हैं आगे जाके। तो यार जिस टाइम पर हमारे यहाँ गर्मी वगैरह होती है ना, हमारे उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत तो ठंडी होती है, हल्का फुल्का, पर इतना ठंडी नहीं है जितना अभी इधर है। ये भी गर्मी का टाइम है इधर, तो फिर भी यहाँ भाई इतना ठंडा है ना, हमें यहाँ पहले कोई गर्मी का मतलब महसूस नहीं होता कि गर्मी हो रहा है, खाली किचन में होता है जब हम काम दाम करते हैं। क्या हुआ सर? तो गाइस यहाँ पे थोड़ा रोड ख़राब है तो उतरना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा रोड ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पे थोड़ा एक आदमी आराम से बाइक ले कर नीचे जा सकते। देखिए ये रोड थोड़ा बाइक के लिए रिक्सी है जो कि अभी संतोष सिर्फ अकेले बाइक ले कर आएँगे कुछ इस तरह से। ये देखिए बहुत रिक्सी है, रिस्की है, रिस्की। अरे सेफ रुक जाओ। अरे यार बहुत भगा दिया यार। यार मैं भी कभी सोचता था कि सिक्किम में जाऊंगा घूमने के लिए, आज मैं सिक्किम में काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा व्यू मेरे को दिख रहा है मेरे सामने पे, और हम लोग घूमते भी है बट आजकल थोड़ा बिजी है तो इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ, घूम नहीं पाता। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा यार, और फिर जब तक यहाँ रहूँ ना पूरा अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों को पूरे। अगर मैं आप लोगों को एक बेस्ट रिफर करता हूँ, अगर कोई लोग अगर सिक्किम में आता है ना घूमने मेरी वीडियो देख के,
स्पेशली जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई लोग आते हैं सिक्किम में तो मैं आप लोगों को एक अच्छा सा होटल बता रहा हूँ जहाँ की मैं भी रहता हूँ, विवांता सिक्किम पक्की हूँ। विवांता ताज भाई विवांता है, विवांता भाई ताज होटल है, फाइव स्टार है और ताज का प्रॉपर्टी है। तो आप लोग ज़रूर आइए, विजिट करिए और स्टे करिए होटल में, काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपको व्यू देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी जगह है। तो प्लीज़ अगर जो कोई आता है और हम भी आपसे मिलेंगे, हम भी आपके साथ थोड़ा बुक सब करेंगे। फिलहाल हम उत्तराखंड से सीधा डायरेक्ट आगे सिक्किम में। देखिए मेरे को यार यहाँ का व्यू दिखाने में ना इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं ये सब देख, जितना पास आ रहा हूँ उतना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कैसा लग रहा है संतोष? बढ़िया बढ़िया। भाई सब दिख रहा है वो हमारा होटल सामने रह गया, वो जो आपके सामने बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है वो दिख रहा है, वो है देख रहे हो कितना दूर आ गए हम लोग। यहाँ ऊपर से एक रोड शॉर्टकट थी जो कि होटल में ऊपर से जाती थी, वो आज तो थोड़ा खराब है ना, तो इस वजह से हम लोग अभी ये वाली रोड पे आते हैं। तो वो रोड पे भी काम चल रहा है और ये रोड भी बंद है, अभी हर रोड पे काम चल रहा है कि हर रोड सिक्किम का एकदम मस्त चकाचक बन रहा है। यहाँ पे पूरे काले बादल छाने वाले और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद बारिश भी लगना शुरू हो गया है। और ये जो आप लोगों को सामने एक पहाड़ दिख रहा होगा जो कि मैं लोग आप लोगों को दिखाता हूँ, गाइस उधर है ना, उधर सामने वहाँ है जो कि सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक, उधर पड़ता है वो साइड। यहाँ पे थोड़ा पेड़ से ढक गया है और वहाँ भी अभी काफ़ी बारिश लग रहा होगा जहाँ बादल छाए हुए, क्योंकि ऊपर से अभी बारिश होने वाली है और ऊपर जहाँ हमने जाने पके होंगे वहाँ भी काला बादल छा गया, कोहरा लग गया पूरा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाना है हमें सामने, देख रहे हो ये देखो कितना ऊपर देखो। ओ भाई साहब भाई बहुत ज़्यादा बारिश लगने वाली है क्योंकि डेली इधर बारिश लग रही है आजकल, और मौसम देखो तो काफ़ी मस्त है, काफ़ी हवा चल रही है। ओह माय गॉड बारिश ज़्यादा हो गया, अंदर से बारिश ज़्यादा लग रहा है। और यार यहाँ पे आज के लिए भी एक नया होटल खुला है भाई इस नाम से, और यहाँ भी काफ़ी सारे गेस्ट विजिट करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने के कारण मैं थोड़ा फ़ोन जेब में रखता हूँ कि फ़ोन में पानी पुनी चला जाएगा तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। ये देखिए ऊपर देख सकते हैं आप लोग शक्ल, देखिए भाई पूरा खतरनाक बारिश होने वाले है, और मेरे को लग रहा है बर्फ़ पूरा पड़ जाती ना और भी मज़ा आता। संतोष क्या बर्फ़ पड़ने की चांस है? नहीं पड़ेगा तो बर्फ़ यार, जो यहाँ पे जो सामने पड़ता है ना नथुला वगैरह छंगू वगैरह वहाँ तो हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, जो सामने दिख रहा है आप लोगों को वो तो गैंगटॉक है उसके ऊपर की तरफ हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है भाई साहब, उधर लोग काफ़ी लोग टूरिस्ट घूमने जाते हैं। अंधेरा पड़ गया और हम रूम पे भी पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं थोड़ा आगे जाएंगे ऊपर उनका रूम, तो हम लोग यहीं पे मतलब मैं यहीं घूमूंगा। और यहाँ पे अभी बारिश हो रहा है थोड़ा हल्का फुल्का जो कि अब थोड़ी देर में बहुत फास्ट हो जाएगी। ओके भाई 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 मिलेंगे क्या कुछ बोलने का? अरे कुछ ना बोला यार, अरे बोल रहे यार, अरे ये लेट हो गया, थक गया मैं, थक गया यार। ये हेलमेट का लगे ना खुद से जाकर खुद ना, ठीक है ठीक है ओके संतोष भाई, बाय बाय गुड नाइट। गाइस देख सकते हो फाइनली मैं पहुंच गया रूम पे, और रूम पे अभी पहुंचने के बाद थोड़ा हमने चेंज वगैरह करते हैं सोते हैं उसके बाद। और ये देखिए यहाँ पे एक आदमी है जो कि यहाँ पे लेटा हुआ है, सुबह से खाना पीना खाया? खाना पीना हो गया। बनाया क्या? बनाया अंडा का सब्जी। बोला अंडा का सब्जी बनाया, अंडा करी नहीं अंडा का सब्जी। तो यार जब रूम पे पहुंच गया तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाने वाला हूँ बाहर का एक बार यहाँ से भी। ये देखिए भाई ये देखिए, ओ माय गॉड देख रहे सामने, और ये देखिए सामने जो पक्किंग जहाँ पे हमारा पक्किंग सिटी है, हम लोग सिटी से थोड़े पीछे की तरफ रहते हैं और वहाँ पे पक्किंग है जो कि 5 से 10 मिनट लगते हैं वहाँ जाते जाते पैदल में, 5 मिनट मान के चलो। और ये देखिए कितना मस्त व्यू है भाई, पूरा बादल बादल है, और यहाँ पे नीचे देखिए खेत में पूरी हरियाली है। ये देखिए लोगों ने खेत में सब्जी वगैरह लगाया, और ये हम लोग जो है ना इसको हम बोलते हैं भुट्टा है ना, हम लोग मुंगरी बोलते हैं इसमें पहाड़ में। सामने का व्यू देखिए भाई, ओह माय गॉड। तो यार कुछ इस तरह से है, जन्नत है जन्नत। और ये वीडियो मैं यहीं, तो गाइस ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा,
मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, और आप लोगों को प्लीज़ सपोर्ट चाहिए, लाइक करो और कमेंट करो, कुछ पूछना तो कमेंट में लिखिए, तो ज़रूर तुम्हारा भाई वो करेगा जो आप लोग पूछेंगे, ज़रूर उस पर ध्यान देगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।